नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मनोज कुमार यादव है और आप सभी का मेरे चैनल माय मूवमेंट SWN पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कैसे हम पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं, हाउ टू रिड्यूस बेली फैट। क्योंकि हमारे शरीर में फैट का अत्यधिक होना ओवरवेट की निशानी है दोस्तों, और ओवरवेट एक ऐसी समस्या है जो कई अन्य बीमारियों का सबसे मुख्य कारण होता है, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ टाइप 2, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर और अल्जाइमर डिजीज़ इत्यादि सभी बीमारियों का मुख्य कारण ओवरवेट होने ही होता है। आप ओवरवेट है कि नहीं, इसका सिंपल कैलकुलेशन करने का पैरामीटर है बॉडी मास इंडेक्स BMI। अगर BMI आपका 18 से नीचे है तो आप अंडरवेट में आते हैं, अगर BMI आपका 25 से अबव है तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका कैलकुलेशन करने का तरीका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ हूँ, आप वहाँ जा कर के उसे आप अपने बॉडी का BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके कारण पे आते हैं कि इसका मुख्य कारण है क्या। तो इसका सबसे मुख्य कारण यह है दोस्तों, जो भी हम कैलोरी लेते हैं उसे ठीक तरीके से खर्च नहीं कर पाते, मतलब कैलोरी इम्बैलेंसेस की वजह से भी हमारा क्या होता है, ओवरवेट होने का सबसे मुख्य कारण है। एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो मान लें आपके पास एक मोटरसाइकिल है, आप तेल भरते हैं, कुछ देर चलाते हैं, फिर आते हैं, फिर तेल भरते हैं, फिर चलाते हैं, तो एक पॉइंट पे क्या होगा कि आपका गाड़ी की टंकी से फ्यूल ओवरफ्लो करने लगेगा। ठीक उसी भांति हम लोग भी हमारे शरीर के लिए कुछ ना कुछ 24 घंटा हम बॉडी में कैलोरी इनटेक लेते रहते हैं और ठीक तरीके से हम उसे खर्च भी नहीं कर पाते हैं, और ठीक उसी तरीके से फिर गाड़ी की भांति तेल की भांति भी हमारा क्या होता है, पेट बाहर निकलने लगता है, बाहर की ओर झलकने लगता है। तो ये इम्बैलेंसेस का मुख्य कारण है। और भी कारण है जैसे कि स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, फास्ट फूड अत्यधिक का सेवन करना, एक्सरसाइज कम करना, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करना, ये सब इसके मुख्य कारण है दोस्तों। और पेट की चर्बी कम होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे पेट में 2 लेयर होते हैं फैट्स के दोस्तों, और पूरे बॉडी में 1 फैट लेयर होता है जो हमारे स्किन के लेयर के नीचे पाया जाता है, जिसे सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। और यह टोटल बॉडी फैट का 90% हमारा सबक्यूटेनियस फैट होता है, और बाकी 5 से 10% फैट हमारा मिड सेक्शन में ही पाया जाता है, जिसे कि विसेरल फैट्स कहते हैं और इंटरनल बॉडी फैट्स भी इसे कहा जाता है। यह फैट, विसेरल फैट्स हमारे ऑर्गन सिस्टम के बहुत ही नज़दीक होता है, और यह मेटाबॉलिकली एक्टिव फैट है दोस्तों, इसीलिए एक प्रकार का एक रसायन को रिलीज करता है जो कि विषैला पदार्थ है, और यही विषैला पदार्थ हमारे ऑर्गन सिस्टम पर घात करता है, लीवर पर, किडनीज पर, और उन्हें कमज़ोर बनाता है दोस्तों, और फिर हमें बॉडी में हमारी बहुत सारे बीमारियों का जन्म होना शुरू होता है। तो इसका कम होना आपका बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको अभी करके बताने जा रहा हूँ, और इसके लिए मैंने एक टोटल 12 योगिक आसनों का मैंने एक सीक्वेंस तैयार किया है, और मैंने उसका वेरिएशन भी किया है, तो आप शुरू से अंत तक देखते रहें। क्योंकि लोग हमेशा अक्सर गलती करते हैं कि पहले आपको सीक्वेंस होना चाहिए कि फैट रिड्यूसन करने का तरीका है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि पूरे होल बॉडी फैट पर टारगेट करना है, उसके लिए हमने आपको पहले वीडियो दिए हुए हैं, योगिंग जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, ये आपके पूरे बॉडी फैट्स पे टारगेट करते हैं। फिर आपको आना चाहिए आपके कोर फैट पे, मतलब कोर एक्सरसाइज पे दोस्तों, अपने मतलब कि पेट को टारगेट करना चाहिए, और उसी के लिए मैंने ये सीक्वेंस तैयार किया है। और फिर आपको एप्स में हिट करना चाहिए, एप्स टारगेट करना चाहिए, ये है सीक्वेंस दोस्तों। लोग क्या करते हैं कि पेट की चर्बी कम करना है तो सिर्फ सीटअप ही लगा रहे हैं या एक ही एक्सरसाइज को बार बार रिपीटेडली कर रहे हैं। ऐसा करने से होता क्या है कि हमारा किसी एक बॉडी पार्टिकुलर पार्ट पर ज़्यादा जोर पड़ जाता है, और फिर वो कमज़ोर पड़ जाता है दोस्तों, और फिर हमें एक नई समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा गलती आप बिल्कुल ना करें, मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूँ अभी 12 आसनों, अब ध्यान से पूर्वक से देखते रहें शुरू से अंत तक, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो पहला जो है मैंने जो चुना है आसन दोस्तों, वह है तड़ासन। तो तड़ासन का ये है स्टार्टिंग पोज, दोनों हाथों की उंगलियाँ को इंटरलॉक कर लें, माथे के ऊपर रखें, और सांस भरते हुए आपको ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। और यहाँ पे आपको 5 ब्रीदिंग तक होल्ड करना है इसी पोजीशन में, और फिर आपको नीचे आना है। और इसी का तड़ासन का वेरिएशन देखिए, तिर्यक तड़ासन, पोजीशन वही लेकिन पैरों की चौहों पे ना खड़ा होकर के पूरे पैर के चौहे आपके ज़मीन में रहेंगे, साइड बेंड करना है, पहले राइट, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए वापस, फिर सांस छोड़ के, ये आपके ओब्लिक फैट को रिड्यूस करेगा दोस्तों। अब
अब दूसरा दूसरा है पाद हस्तासन। श्वास छोड़ते हुए आपको पूरा आगे बेंड करना है। यहाँ भी आपको पांच ब्रीदिंग तक नीचे आपको होल्ड करना है, फिर वापस। ये था दूसरा। अब तीसरा जो एक्सरसाइज है दोस्तों, इसे कहते हैं सर्वांग पुष्टि आसन। ये आपके शरीर के सर्वांग मीन्स सभी अंगों को पुष्ट करने वाला आसन, सर्वांग आसन। पोजीशन ये, दोनों पैरों में फासला ले लें 2 से 3 फुट और इस प्रकार से हाथों को इंटरलॉक करके आगे रखें माथे के दोनों हाथों के बीच में, और श्वास भरते हुए आपको पूरा सर्कल बनाना है। फिर दूसरी तरफ से ये है सर्वांग पुष्टि आसन। इसमें सावधानी करनी है कि जिनको कमर की बैक पेन की समस्या है वो लोग इसका अभ्यास ना करें और आराम आराम करें, क्योंकि इसमें बहुत ही शक्ति लगता है दोस्तों जब आप पीछे की ओर बेंड करते हैं। तो ये थे तीन। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो अब नीचे बैठ के किया जाने वाला आसन है दोस्तों। अब देखिए इसका अभ्यास कैसे किया जाता है। पहले आपको करना क्या है कि पीठ के बल लेट जाना है इस प्रकार से, दोनों हाथ जमीन में इस प्रकार से स्पर्श। इसे कहते हैं अर्धहलासन। अर्धहलासन श्वास छोड़ते हुए लाएं, इस प्रकार से आपको करना है। पैर को जब नीचे ले जाएं तो पूरा जमीन में स्पर्श ना करें, थोड़ा सा 1 इंच ऊपर ही रखें। ये है अर्धहलासन। अब नेक्स्ट जो है वो है द्विपाद चकासन। आपको क्या करना है कि साइकिलिंग करना है दोनों पैरों से इस प्रकार से। ये हुआ एक साइड से, फिर इसका अपोजिट दूसरी साइड से भी करना है इस प्रकार से। ये हुआ इसका दोनों अभ्यास। जो लोग दोनों पैरों से नहीं कर पा रहे हैं वो एक पैर से भी कर सकते हैं, जिनका वेट अत्यधिक है ये भी। और फिर धीरे धीरे आप दोनों पैरों में जाएं। और फिर है द्विपाद वृत्तासन। दोनों पैरों से आपको सर्कल बनाना है इस प्रकार से। पूरा सर्कल बनाए और ज़्यादा स्पीड में ना करें, एक मध्यम गति में इस प्रकार से दोनों साइड से आपको वृत्त बनाना है। वृत्ताकार आकार में, सर्कल आकार में आपको सर्कल फॉर्म करना है। ये था नेक्स्ट। अब अगला देखिए आपको करना है नवासन, नौकासन, बोट बनाना है। ये है इसका करने का तरीका। इस प्रकार से आपको होल्ड करना है। हर एक एक्सरसाइज को आपको मिनिमम आधा मिनट करना है एक एक्सरसाइज को दोस्तों। ये था बोट पोज, इसे बोट पोज कहते हैं। फिर है दीर्घ नौकासन। दीर्घ नौकासन में आपको क्या करना है कि नौकासन नहीं गए और इस प्रकार से आपको उठा देना है। आगे से पैर उठ जाएगा और इधर से पीछे आपका माथा और हाथ दोनों उठा हुआ रहेगा। इसी आसन में आपको रहना है, धीरे धीरे आपको टाइमिंग बढ़ाना है, मिनिमम आधा मिनट से लेकर के 1 मिनट तक ले जाए हर एक आसन को। पूरा कोर पे जोर पड़ता है दोस्तों। 1 मिनट आप लगा सकते हैं इस दीर्घ नौकासन को तो आपका पेट में देखिएगा कितनी गर्मी फेंक देगा, इंटरनल फैट को ये बर्न करने वाला सभी एक्सरसाइज है, आसन है। अब आपको
पेट के बल लेट जाना है। अब पेट के बल पे किया जाने वाला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला है इसका भुजंग आसन, पेट के बल, दोनों हाथ आपके सीने के बाजू में इस प्रकार से, पीछे एड़ियां तनी हुई, और सांस भरते हुए आपको पूरा उठाना है। कोबरा पोज कहते हैं इसे इंग्लिश में। हाथों की केहनियां मुड़ी हुई रहेंगी इस प्रकार से, सांस भरते हुए जाइए। अब इसी का दूसरा वेरिएशन, अब दोनों हाथों का आपको भुजंग आसन का वेरिएशन नंबर टू, इसी प्रकार से हाथों को इंटरलॉक कर दें और पूरा उठा दें। हाथ इसमें पूरा सीधा हो जाता है। अब तीसरा वेरिएशन, अब पैरों को थोड़ा फैला लें, आपस में दूरी बना लें, और भुजंग आसन में जाते हुए श्वास भरते हुए उठें। श्वास छोड़ के आपको अपोजिट पैर को देखना है। श्वास भरें, ये हुआ। और फिर अगला है विपरीत नौकासन, दोनों हाथों को आगे रख लें, पैरें आपस में सटी हुई, और इस प्रकार से उठा देना है, श्वास भरते हुए उठा देना। यह है विपरीत नौकासन। इस प्रकार से आपको इसी पोज में आधा मिनट तक रहना है। अब अगला है धनुरासन, दोनों पैरों को इस प्रकार से इंटोक हाथों से पकड़ लें और उठा देना है आपको आगे की ओर। देखिए इस प्रकार से सांस भरें, ये था धनुरासन। फिर से देखें धनुरासन, लास्ट है चक्रासन, पीठ के बल लेट जाए। इसी आसन में आपको चक्रासन में यथासंभव होल्ड करना है। इसके भी दो वेरिएशन है। अब देखिए चक्रासन हो गया पहला वेरिएशन। अब करना क्या है कि आपको दोनों पैरों को आपस में सटा दें और सीधे कर दें। ये था चक्रासन का एक वेरिएशन। एक और वेरिएशन है कि स्पीड में चक्रासन कैसे किया जाता है। आपको इस पोज में बैठना है और हाथ, जो हाथ आप पीछे ले जाएंगे एक हाथ को, उसकी उंगलियां अंदर की ओर, और यहीं से आपको चक्रासन जाना है। और फिर दूसरी तरफ से वापस फिर जाए। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइए कमेंट में, और कोई भी आपको अगर समस्या होती है करने के दौरान तो जरूर कमेंट में हमें इनबॉक्स करें, तो उसका तुरंत हम समाधान आपको रिप्लाई करके बताएंगे दोस्तों। ये था बारहवा आसन। अब इसकी टाइमिंग सुन लें, हर एक आसन को मैंने अभी भी बोला आपको ये आधा मिनट से लेके एक एक मिनट तक करना है, अगर इफेक्टिव रिजल्ट चाहते हैं तो 10 से 15 मिनट में आपका पूरा एक सेट कंप्लीट हो जाता है। तो आपको डेली 3 सेट करने हैं इसके। पहले आप योगिन जोगिन सूर्य नमस्कार ये सब कर लें, फिर इसको आप इसको आसन को प्रैक्टिस करना है आपको।
तो आप देखिएगा महीने में आपका कितना भी बाहर पेट निकला हुआ पूरा पूरी तरीके से अंदर चल जाएगा दोस्तों। ये था, बहुत बहुत धन्यवाद, स्टे हेल्दी, बाय बाय, सी यू सून।